हेलो एवरीवन, आज मैं आपको निडिल रोलर बेयरिंग के बारे में बताऊंगा। हमारे पास कुछ निडिल रोलर बेयरिंग रखी हुई है। इसमें आप देख रहे हो कि जो निडिल रोलर बेयरिंग है वो डिफरेंट टाइप की है, और इसमें कुछ कॉमन है। तो कॉमन ये है कि ये सारे निडिल रोलर है और इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है। नॉर्मली क्या है कि हर एक बेयरिंग में एक नंबर होता था, जिस नंबर के बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते थे। लेकिन निडल रोलर बेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो नंबरिंग होता है वो नंबर में ही डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि उसकी आईडी, ओडी और उसकी जो ब्रीथ है उसके बेसिस पे उसको डिनोट करते हैं। तो मैं एक बेयरिंग दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बारीक लिखा हुआ है, इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ 55 68 25। मतलब ये आपको डिनोट कर रहा है आईडी, ओडी और इसका जो ब्रेथ है उसको शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह का आप दूसरा एक बेयरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा। देखिए ये वाली बेयरिंग है, इसमें इसमें है 40 50 20। इसमें क्या है, 40 आईडी है, 50 इसकी ओडी है और इसकी जो ब्रेथ है वो 20 है। तो जितने सारे निडल बेयरिंग होती है उसका मतलब उसको हम उसके थिकनेस पे, उसकी ब्रिथ ओडी आईडी से डिनोट करते हैं, और इसका एप्लीकेशन हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पे स्पेस बहुत कम रहता है और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। नॉर्मली आप देखिए, मैं एक बेयरिंग और दिखा रहा हूँ, ये एक बेयरिंग है आपका डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। आप कंपेयर करेंगे इसमें इस और इसमें, क्या है इसकी इसकी जो ओडी आईडी है प्लस ये ब्रिथ है, प्लस जब आप ये देखेंगे ओडी आईडी का बीच का जो थिकनेस है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप निडिल रोलर बेयरिंग में आप देखेंगे कि ये थिकनेस बहुत कम है। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पर आपको स्पेस बहुत कम है और वहाँ पे आपको रोटेशन चाहिए और आपको लोड भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग निडिल रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन नॉर्मली क्या होता है, मतलब आपका निडिल रोलर बेयरिंग का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आपका व्हीकल्स में होता है, ऑटोमोबाइल में ज़्यादा रहता है। ऑटोमोबाइल में नॉर्मली आप जो उसके प्रोपेलर शाफ्ट्स होते हैं, जहाँ पे आप देखे होंगे, जहाँ पे लवजॉय ये आपका इन्वर्सल कपलिंग्स हैं, उस जगह उसके इन्वर्सल कपलिंग में यूज होता है। प्लस इंजन में आप जहाँ पे आपका कनेक्टिंग रॉड रहता है उसमें भी कनेक्टिंग रॉड में यूज होता है। प्लस आप ये ट्रांसमिशन में यूज होता है। प्लस आप देखे होंगे गियर बॉक्स, बहुत सारे गियर बॉक्स ऐसे होंगे जहाँ बहुत कॉम्पैक्ट है, जैसे आप व्हीकल में आप देखे होंगे कि उसकी जो गियर बॉक्स है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तो उस जगह पे हम लोग जो है कि पतली वो जो आप निडिल रोलर बेयरिंग है उसका यूज करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन में, मतलब आपका इंजन के ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो बेयरिंग पड़ा हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाली जो बेयरिंग है, इस ये बेयरिंग आपको इसका बोलते हैं रेडियल निडिल रोलर बेयरिंग एंड केज असेंबली। ये इस बेयरिंग का, निडिल रोलर बेयरिंग को का नाम है। प्लस यहाँ पे आप एक और देख रहे हैं, ये है आपका ड्रॉन कैप निडिल रोलर बेयरिंग है, और ये आपकी एक बेयरिंग है, ये भी ड्रोन कप निडिल रोलर बेयरिंग है। ये वाले आप नॉर्मली क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट में आप यूनिवर्सल कपलिंग के जॉइंट में जो क्रॉस होती है उसमें ये यूज होता है। और इस तरह के बेयरिंग आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे आपकी जो जो ड्रिल मशीन होती है उसमें, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जेसीबी हो गया, उसकी जो रोटेशन रोटेशन के लिए रोटेशन जहाँ होता है उसके लिए वहाँ पे यूज करते हैं। और
और आपका ये विंड टरबाइन जो है उसमें प्लानिटरी गियर में यूज करते हैं, प्लस आप एग्रीकल्चर में, आप एग्रीकल्चर में जैसे ट्रैक्टर्स है उसके अंदर, उसमें हम लोग ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। नॉर्मली आप मतलब मिडिल रोलर बेयरिंग का यूज आप इंजन में करते हैं, ट्रांसमिशन में करते हैं, गियर बॉक्स में होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये इसको ये वाली जो बेयरिंग है, रेडियल रेडियल निडिल रोलर एंड केज असेंबली ये है, प्लस ये आप ये वाली जो बेयरिंग है इसको हम बोलते हैं ड्रॉन कैप निडिल रोलर बेयरिंग है, ये वाली हैवी ड्यूटी निडिल रोलर बेयरिंग है। और कुछ बेयरिंग्स है, मतलब कुछ निडिल बेयरिंग होते हैं कंबाइंड टाइप, जिसमें आप देख इस तरह का होगा, एक निडिल रोलर बेयरिंग होगा और उसी के साथ आपका एक रोलर भी असेंबली होगा, तो उस तरह का बेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड रेडियल एंड थ्रस्ट बेयरिंग बोलते हैं, जिसमें आपको रेडियल भी और थ्रस्ट भी आपको दोनों का कम्बिनेशन मिलता है। ये वाली जो आपको बेयरिंग है ये है ड्रोन कप रोलर क्लच निडल रोलर बेयरिंग। इसमें क्या है कि आप लेके अगर इसमें चलेंगे तो इसमें क्या है, ये वाले रोडल मतलब निडल रोलर बेयरिंग हम उस जगह यूज करते हैं जहाँ पर रेडियल लोड जो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सियल लोड जीरो होता है, प्लस स्पीड इसका मतलब वेरी हाई रहता है, प्लस इसका लाइफ जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, प्लस इसका कॉस्टिंग बोले तो बहुत लो कॉस्ट आता है, तो ये इसके एडवांटेज में आता है। प्लस आप ये वाली जो बेयरिंग है ड्रोन कप निडल रोलर बेयरिंग, ये क्या है, इसमें क्या है आपका जो रेडियल लोड है वो मॉडरेट रहता है, एक्सियल लोड जीरो रहता है, प्लस स्पीड जो रहता है बहुत हाई रहता है, प्लस आपका इसमें जो लाइफ ये भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फ्रिक्शन वेरी लो रहता है, और प्लस इसका कॉस्ट वाइज देखा जाए तो बहुत लो है, कॉस्ट लो है। यहाँ पे आपका ड्रोन टाइप कप रोलर क्लच जो है ये वाली, इसमें आपका क्या है, ये वाली क्या है कि इसमें इसमें आपका रेडियल लोड मॉडरेट रहता है, एक्सियल लो रहता है, और स्पीड आपका मॉडरेट रहेगा, ठीक है, अगर हाई लो मॉडरेटर में हम लोग लेके चलें तो इसका कॉस्टिंग वाइज ये कॉस्टिंग थोड़ा सा हाइयर साइड में रहता है।